मस्जिद के सामने आपत्तिजनक गाने बजाने का आरोप, जुलूस के वीडियो पर कतर के लेखक ने किया कमेंट। कर्नाटक के गुलबर्गा से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कथित रूप से समुदाय विशेष को भड़काने के उद्देश्य से भड़काऊ गाने बजाने का आरोप है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गणेश पूजा के दौरान निकाले गए जुलूस में कुछ लोग मस्जिद के सामने डीजे पर थिरकते नजर आ रहे हैं। डीजे पर जो गाना बजाया जा रहा है काफी भड़काऊ प्रतीत हो रहा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई लोगों ने वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है। वहीं अब इसमें कतर के चर्चित लेखक अब्दुल्लाह इमादी ने मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है। सोशल मीडिया पर किसने क्या कहा, आइए देखते हैं। स्वतंत्र पत्रकार मोहम्मद इरशाद ने वीडियो शेयर करके लिखा, खून से इस धरती को हम नहलाएंगे, हम तुझको तेरी औकात बताएंगे। गुलबर्गा में स्थित महबूस मस्जिद के सामने गणेश चतुर्थी के जुलूस के दौरान इस तरह का गीत बजाया गया। प्रोफेसर अशोक स्वेन ने वीडियो शेयर करके लिखा, भारत के कर्नाटक में हिंदू दक्षिण पंथी अपने गणेश पूजा जुलूस को एक मस्जिद के सामने ले और तेज संगीत बजाते हुए मुस्लिम नरसंहार का आह्वान किया। मशहूर आरजे साइमा ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, ये बेशर्म लोगों की भीड़ है और ये शर्मनाक नस्ल बढ़ती ही जा रही है, व्यवस्था खामोश ही नहीं उलझी हुई है। वहीं कतर के लेखक अब्दुल्ला इमादी ने वायरल वीडियो पर टिप्पणी करते हुए लिखा, ये एक प्लान की गई भड़काऊ कार्रवाई का एक पुख्ता सबूत है, जिसके बारे में मोदी सरकार ने संदेह पूरी खबर है, लेकिन इससे निपटने के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है। स्वतंत्र पत्रकार मोहम्मद इरशाद के मुताबिक जुलूस का नेतृत्व भाजपा नेता चंदू पाटिल कर रहे थे, जिन्होंने सभी नियमों को तोड़ते हुए लाउड स्पीकर में डीजे बजाने की चुनौती दी थी। कलबुर्गी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वीडियो को सबसे पहले कई गुलबर्गा यूट्यूब चैनल ने शेयर किया है और कई राइट विंग मेंबर्स ने इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से शेयर किया है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।